जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और आज की कहानी का नाम है स्कैरी वर्ल्ड। केरल के कस्बे की बात मशहूर थी कि यहां एक ऐसा वैज्ञानिक है जिसका दिमाग इतना तेज है कि वह कोई भी मशीन देखकर ये बता सकता है कि वो खराब क्यों है या उसमें क्या ऐसी कमी है जिसको पूरा किया जाना चाहिए। उस वैज्ञानिक का नाम निरुपम वेंकैया था। लोगों का कहना था कि इस वैज्ञानिक ने बड़े बड़े अवसरों को ठुकरा कुछ अपना अलग आविष्कार करने की ठानी है। विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थानों ने भरपूर कोशिश की कि निरुपम का दिमाग अपने संस्थान के लिए इस्तेमाल करें, पर इस अड़ियल वैज्ञानिक के आगे उनकी एक न चली। एकदम साधारण जिंदगी जीने वाला निरुपम वेंकैया ने जब अपनी एक छोटी लैब बनाई तो आसपास के बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बूढ़े भी अक्सर उस लैब के बाहर खड़े हो जाते कि शायद उनको भीतर जाने का मौका मिले और वह ऐसे अनेकों आविष्कारों को देख सकें जिनके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना है। सुनने में आया था कि निरुपम ने अविश्वसनीय चीजें बनाई हैं, जैसे तांबे से बनी एक घड़ी जो आपको आगाह करती रहेगी कि कब आप ऐसे लोगों के बीच जा रहे हैं जो आपको पसंद नहीं करते, और वो पीतल की अंगूठी जिसको पहनने के बाद आप खुद को प्रकृति के करीब महसूस कर सकेंगे, आप पेड़ों की भावनाओं तक को महसूस कर सकेंगे और न जाने क्या क्या। पर कोई भी ठीक से बता नहीं सकता था कि ये सब बातें वाकई सच हैं या बस लोगों द्वारा फैलाई गई बस एक अफवाह। गांव में शाम को कभी कभी निरुपम एक चाय की दुकान पर बैठ जाता था, क्योंकि वहां काम करने वाला एक छोटा बच्चा निर्मल उसे बहुत पसंद था। उसी दौरान वो बच्चा उसके आविष्कारों के बारे में पूछता और निरुपम बताता जाता। इस तरह लोगों के बीच उसके आविष्कारों की बात फैल जाती। आज निरुपम फिर से चाय पीने को वहां बैठ गया और निर्मल झट से भागता उसके करीब आ गया। आपकी वाली चाय? बिल्कुल, निरुपम ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ की मुट्ठी खोली। ये क्या है? निर्मल पूछ बैठा। ये एक ऐसा पदार्थ है जो मेरे अगले आविष्कार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वो कैसे? ये मुझे कुछ ऐसा देखने में मदद करेगा जो हम आम आंखों से नहीं देख सकते। सच्ची? अरे वाह, क्या मैं आपके साथ इस पर काम कर सकता हूं? बताया तो था, जिस दिन तुम 10वीं पास कर लोगे उस दिन मैं तुम्हें खुद अपना असिस्टेंट बना लूंगा। ठीक है, आहें भरता निर्मल चाय लाने को वापस बढ़ गया। अरे काहीं का आविष्कार, इतना तेज होता तो यहीं रहता। अरे मैं तो कहता हूं सच झूठ है। एक छोटे बच्चे को हवाई कहानियां बताता है और लोग सुनकर वाह वाह भरोसते हैं। कार्तिक सामने की दुकान पर बैठा वैज्ञानिक को निर्मल से बातें करता देख रहा था। अरे अखबार में खबर छपी थी कि जीनियस है। वर्धन ने गप से मिठाई अपने मुंह में खिसका ली और निरुपम को आंखें गड़ाए देखने लगा। अरे तो आज रात चलते हैं ना इसकी लैब में, इसकी पोल पट्टी सबके सामने लेकर आते हैं, तब वो शर्त लगी 500 रुपए की। कार्तिक ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाल लिए। लगा लो भाई, मुझे लगता है वैज्ञानिक में दम है। देर रात जब निरुपम लैब को बंद कर अपने घर चला गया तो कार्तिक और वर्धन ने पीछे की खिड़की को तोड़ अंदर प्रवेश किया। ये कैसी आवाज है? साइंटिस्ट तो अंदर है ही नहीं। वर्धन हैरान था। अरे धीरे बोल यार, आजा दिखते हैं। पर उस रात उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। वो दोनों सुबह पास की सड़क पर बदहवास पाए गए। जब उनसे पूछा गया कि आखिर उनके साथ हुआ क्या तो उनको कुछ याद ही न था। यहां तक कि लगभग 1 साल वो ये भी नहीं बता सके कि वो कौन है।
मानो उनके दिमाग से किसी ने उनकी याददाश्त मिटा दी हो। पर जब एक व्यक्ति ने बताया कि उसने देर रात उनको लैब से बाहर आते देखा था तो लोग वैज्ञानिक से डरने लगे। अब तो उन्हें देर रात लैब से अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती थीं। कई बार पुलिस भी आई पर उनको कुछ न मिला। जो नवयुवक पहले वैज्ञानिक के सामने गिड़गिड़ाते थे कि वो उनको अपना असिस्टेंट बना ले, वो अब उसके नाम से ही कांप जाते। पर निर्मल, उसको इन सब बातों से कोई फर्क ही ना पड़ा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और निर्मल एक प्रतिभावान छात्र बनकर उभरने लगा। लगभग हर विषय में वो टॉप करता और वैज्ञानिक उसको शाबाशी देता। फिर वो समय भी आया जब निर्मल ने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की और उस लैब के बाहर अखड़ा हो गया जिसके अंदर जाने के सपने वो बचपन से देखता आया था। निरुपम शाम को जब लैब बंद करने को बाहर आया तो निर्मल को देख खुश हो गया। क्या अब मैं आपका असिस्टेंट बन सकता हूं? मुझे भी आपकी तरह साइंटिस्ट बनना है। निरुपम हमेशा की तरह मुस्कुराया। हाँ, मुझे अपना वादा याद है, पर इसके कुछ नियम और शर्तें हैं। कल सुबह आओ, आराम से बात करेंगे। निर्मल पूरी रात करवटें लेता रहा। नींद मानो उससे कोसों दूर थी, और हो भी क्यों ना। अगली सुबह जब वो अपनी असली यात्रा आरंभ करने वाला था, सुबह सुबह ही निर्मल लैब पहुंच गया। जब निरुपम आया तो निर्मल की उत्सुकता को देख हैरान हो गया। आओ तुम्हें अंदर ले चलता हूं। निर्मल खुद पर गर्व महसूस कर रहा था कि वो इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो मशहूर वैज्ञानिक निरुपम वेंकैया की लैब में जा रहा है, वो भी बतौर असिस्टेंट। लैब का दरवाजा खुला और अंदर का नजारा निर्मल को मंत्रमुग्ध कर गया। कुछ अलग ही मंजर था। चारों तरफ अनेकों किताबें दीवारों पर सजी थी और अनोखी मशीनें इधर उधर रखी थी जिनसे रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। एक तरफ फ्लास्क और ट्यूब रखी थी जिनमें केमिकल्स नजर आ रहे थे। सामने की तरफ एक ऊंची लंबी मशीन थी जिससे सफेद धुआं निकल रहा था। लैब का ऊपरी हिस्सा कांच का बना था जिसके सहारे एक बड़ी घड़ी लटकी थी जो ठीक नीचे की ओर झांक रही थी और उसकी बड़ी सुइयां समय के साथ बड़ी आवाज कर आगे बढ़ रही थी। निर्मल चमकती आंखों से यह सब देख मन ही मन खुश हो रहा था। आओ अंदर की तरफ आओ, निरुपम ने इशारा किया। निर्मल को तो मानो होश ही न था, वो साइंस की इस मन लुभावनी दुनिया में खो चुका था। खोया हुआ जब वो उस ओर गया जिस ओर निरुपम ने इशारा किया था तो पाया अंदर पेड़ पौधे लगे हैं जिनसे मन को मोह लेने वाली खुशबू आ रही थी। ये पेड़ पौधे कहां से मिले आपको? ऐसे पौधे तो हमारे वहां मिलते ही नहीं है। एक साइंटिस्ट का काम यही होता है, ऐसी चीजों को पास रखना जो नायाब हों। जानते हो इन पौधों का भी अपना खास काम है इस लैब में। खैर, आज तुम सामने रखी किताबों को पहले ठीक से लगाओ और कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। हाँ, और याद रहे सामने के दो कमरे सिर्फ मेरे लिए हैं, उनमें गलती से भी नहीं जाना। निरुपम ने इस बात पर जोर दिया। अब क्यों सर, उनमें कुछ खास है क्या? निर्मल उत्सुकता में पूछ बैठा। जो कहा है वही करना है, यहां का पहला नियम है, निरुपम ने घूरते अपनी बात कही। निर्मल समझ गया आगे कुछ न पूछा जाए तो बेहतर है। अपनी आंखों को छुपाते हुए उसने अपना बैग सामने के टेबल पर रखा और किताबों की ओर बढ़ गया। निरुपम सामने के कमरे में चला गया जिसमें निर्मल का जाना वर्जित था और काम में व्यस्त हो गया। किताबों को लगाते निर्मल को शाम हो गई, और होती भी क्यों ना। हर किताब को ठीक से रखने से पहले वो उसे पढ़ने की कोशिश करने लगता, पर रुक रुक कर उन दोनों कमरों से आती अजीब सी आवाज उसका ध्यान भी खींच लेती। वो पहले उस ओर ध्यान से देखता फिर अपनी आंखों को मलता कि क्या उसे जो दिख रहा है वो सही है। उसे लगता मानो कई परछाइयां अंदर घूम रही हों, पर अंदर तो सिर्फ साइंटिस्ट हैं।
यह सोच फिर से किताबों को रखने लगता। चलो अब लैब बंद करने का टाइम हो गया, मुझे कुछ सामान भी चाहिए, मैं मार्केट जाऊंगा। निर्मल को जब निरुपम की आवाज आई तो झट से वो उनके करीब चला गया। मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं, कल सुबह समय पर आ जाना, और कल से 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, स्कूल भी तो जाना है तुम्हें। जाते वक्त वो एक बार निरुपम से पूछना चाहता था कि क्या कोई और भी कमरे में था साइंटिस्ट के साथ, पर चुप रहना ही उसने ठीक समझा। और हाँ, दूसरा नियम, रात 8 बजे के बाद लैब में नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। निरुपम ने ताला बंद करके निर्मल को देखा। निर्मल ने हल्के से सर हिला दिया। धीरे धीरे निर्मल सीखने लगा। कभी कभार तो साइंटिस्ट की गलती को भी पकड़ लेता। साइंटिस्ट इस बात को जानता था कि निर्मल एक जीनियस है और उसे बस कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। 2 साल इसी तरह बीत गए और निर्मल अब पूरी तरह अपनी क्षमता साबित कर चुका था। अब वो भी आविष्कारक बन चुका था। पर अचानक एक रात साइंटिस्ट गायब हो गया। ठीक 31 दिसंबर की रात, पहली बार ऐसा हुआ था कि साइंटिस्ट लैब में 8 बजे के बाद रुका था। अगली सुबह जब निर्मल लैब पहुंचा तो लैब का दरवाजा बंद ही नहीं था। उसे लगा निरुपम अंदर होगा, पर आवाज देने पर भी वो ना मिला। निर्मल ने आसपास भी देखा, पर कहीं भी निरुपम की खबर ना मिली। कहां गायब हो गया निरुपम? क्या बीती रात ऐसा कुछ हुआ कि साइंटिस्ट को अचानक भागना पड़ा? सुनाऊंगा आगे की कहानी द स्कैरी वर्ल्ड भाग 2 में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।